फ्रेंड्स, क्या आप अपने एयरटेल सिम में कॉलर ट्यून लगाना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं कि एयरटेल सिम में कॉलर ट्यून किस तरीके से लगाया जाता है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो कॉलर ट्यून लगाने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल का रिचार्ज करवा लीजिएगा। रिचार्ज करवाने के बाद अपना सबसे पहले मैं प्ले स्टोर ओपन करेंगे। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऐप को डाउनलोड करना होगा। यहाँ पर हम सर्च करेंगे विंक म्यूज़िक। तो इस वाली यहाँ पर इस तरीके से आपको सर्च कर लेना है इस वाले ऐप को। और यहाँ पर सर्च करने के बाद यहाँ पर ये वाला ऐप आ जाएगा, ये देखिए विंक म्यूज़िक। इसको आपको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको इंस्टॉल होने का हम वेट करेंगे। तो इंस्टॉल हो जाने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। पहले इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से इसको आप ओपन कर लीजिएगा। तो जब यहाँ पे ऐप ओपन होगा तो कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू विद फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर ओपन हो जाएगा, वहाँ पर आपको अपना एयरटेल का नंबर डालना है। जो आपका मोबाइल नंबर एयरटेल का होगा वहाँ पे डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे 10 अंकों का अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। मोबाइल नंबर के डालने के बाद आपको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके नंबर पे एक OTP जाएगा 4 अंकों का। तो वो OTP अभी देखेंगे, इस तरीके का OTP आएगा। वो OTP आपको यहाँ पर नीचे फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जब आपका यहाँ पर लॉगिन होकर यहाँ पर ओपन होगा, कुछ इस तरीके का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो मान लीजिए आपको किसी गाने को सेट करना है, इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे गाने आ जाएंगे। जिसको भी आपको सेट करना है उस पर आपको क्लिक कर लेना। मान लीजिए हमको इस वाले को सेट करना है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर से इस गाने को ओपन कर देंगे। तो इस पर क्लिक करके हम इस गाने को चालू कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर इस गाने को चालू कर दिया है। उसके बाद हमें रिंगटोन सेट करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा सेट एज हेलो ट्यून, यहाँ पर ये देखिए। तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे 4-5 क्लिप आ जाएंगी, यानी बेस्ट मोमेंट के यहाँ पे क्लिप शो करेंगी। आप जहाँ से भी चाहें उसको आप सेट कर सकते हैं। मुझे लगता है मतलब जहाँ से आपको बेस्ट पार्ट लगता है वो वहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे बहुत 3-4 क्लिप में आपको सुन के देख लीजिएगा, जो भी आपको बेस्ट पार्ट लगे आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। हमें पहला वाला ही बेस्ट लग रहा है, तो मैं यहाँ पर पहले वाले को चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे सेट फ्री हेलो ट्यून पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ऑल पे सेलेक्ट कर देना ऊपर। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा वॉच ऐड एंड सेट फ्री हेलो ट्यून। आपको यहाँ पे एक ऐड दिखाया जाएगा, तब आप इसको फ्री में कर सकते हैं, फ्री में हेलो ट्यून सेट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं वॉच ऐड पे। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना, तो हम यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ देर प्रोसेसिंग लेगा। तो यहाँ पर यह प्रोसेस में हो रहा है, ये देखिए कुछ देर प्रोसेस हो गए। अभी यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर हमारा यहाँ पे हेलो ट्यून सेट हो चुका है। अब यहाँ पे आपका हेलो ट्यून सेट हुआ है कि नहीं, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा हेलो ट्यून का, ये देखिए। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको मैनेज का ऑप्शन मिल जाएगा, ये देखिए। इस पर आपको क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ऑल कॉलर्स, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपने कॉलर ट्यून की डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ही आपके नंबर पर कॉलर ट्यून सेट हो जाएगा, इस तरीके का आपके नंबर पर SMS आ जाएगा, ये देखिए। आपने किस गाने को हेलो ट्यून सेट किया है सारी डिटेल्स यहाँ पर शो करेंगे।